हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कुमार आपका TTC गाइड चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज आप सीखेंगे स्टाइल ऑप्शन के बारे में। दोस्तों इससे पहले हम काफ़ी वीडियो बना चुके हैं, जैसे MS वर्ड, इंट्रोडक्शन, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इन सभी के बारे में पहले ही वीडियो बना चुके हैं। आज सीखते हैं स्टाइल फंक्शन के उपयोग को, ठीक है। तो स्टाइल फंक्शन क्या होता है उसके बारे में पहले बता दें। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि स्टाइल, साइज, इटैलिक, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह जितना भी हम यहाँ से करते थे फॉन्ट ऑप्शन की मदद से, वही सारा कार्य हमारा प्री डिफाइंड होता है स्टाइल फंक्शन के अंदर, ठीक। हमें केवल उसे अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो उसे अप्लाई कब करें और कैसे करें उसी को देखने वाले हैं। उसके लिए हमें किसी डाटा की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम उस डाटा को पहले यहाँ पर ओपन कर लेंगे। तो हम कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे और अपने डाटा को यहाँ पर ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल हमने प्रेस कर दिया। इसके बाद आप डेस्कटॉप लोकेशन पे हमारा डाटा है, तो डेस्कटॉप पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा जो डाटा ओपन करने वाले हैं वो डाटा हमारा है कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग, ठीक। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक यहाँ पर कर देंगे तो हमारा डायरेक्टली यहाँ से डाटा जो है ओपन हो जाएगा। ओपन होकर हमारा डायरेक्टली एक्सेल शीट पे, सॉरी MS वर्ड शीट पे डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो अब इस डाटा में हम आपको इसका स्टाइल फंक्शन का यूज करके दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ से डाटा को सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ से जैसे कि हम इसका कलर चेंज करते थे तो यहाँ से कर लेते थे, ठीक है। इस प्रकार से अगर हमें बोल्ड करना हो यहाँ से कर लेते, इटैलिक अंडरलाइन वगैरह यहाँ से कर लेते, साइज यहाँ से बढ़ा लेते थे, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल यहाँ से चेंज कर लेते, बट यहाँ पर हमें वो सभी प्री डिफाइंड पहले से ही मिला हुआ है, ठीक है। उसे केवल हमें यूज करना ही है। तो उसके लिए हम यूज कैसे करेंगे, मान लीजिए जैसे डाटा को सिलेक्ट करेंगे, इसके पहला ऑप्शन है यहाँ पर नॉर्मल का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करें तो हमें कोई इफेक्ट मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल में हमारा बिल्कुल वैसा ही रहता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नो स्पेसिंग, अगर इस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारे डाटा के बीच में जो स्पेसिंग होगी वो स्पेसिंग यहाँ से हट जाएगी, ठीक है, इसके द्वारा। इसके बाद हेडिंग बन, जैसे कि हमारी हेडिंग वगैरह हम डालते हैं तो यहाँ से हेडिंग फर्स्ट हेडिंग बन जाएगी, ठीक है। अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो डाटा हमारा हेडिंग वाइज सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसका यूज अलग से करके दिखा दें। मान लीजिए इसे सिलेक्ट करके हेडिंग वन पे क्लिक कर देंगे, अब ये जो हमारी हेडिंग टाइप में बन गई, यानी कि कुछ बोल्ड टाइप की हो गई। अब हेडिंग टू पे हम क्लिक करेंगे, आप देखेंगे पहली वाली हेडिंग से दूसरी वाली हेडिंग जो है हमारी कुछ अलग से दिख रही है, सब हेडिंग है जी हमारी, ठीक है। तो इसमें जो कुछ कम है तो इसे भी हम सेकेंड हेडिंग बना लेते हैं। तो आप देखेंगे ये जो है हमारी सब हेडिंग बन चुकी है, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप यहाँ पर हेडिंग थ्री है तो ये उससे भी अलग हमारी बनेगी। अब अगर हम चौथी हेडिंग बनाएं, इसी प्रकार से हमारी सब हेडिंग बनती चली जाएंगे। इसमें 5 से 6 सब हेडिंग के टाइप होंगे, यानी कि हेडिंग पहले फर्स्ट हेडिंग, उसके बाद सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग, फोर्थ हेडिंग, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो हमारी हर एक हेडिंग जो है एक दूसरे से अलग होगी। जैसे फोर्थ हेडिंग पर अगर हम क्लिक करें, यहाँ पर डाटा को पहले सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद अगर हम फोर्थ हेडिंग पर यहाँ पर क्लिक कर दें सिंपली यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखें इसका जो साइज हमारा सबसे ही डिफरेंट रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें हेडिंग का यूज कर सकते हैं। अब हमारी 5 नंबर की हेडिंग आ चुकी है, इस पर अगर हम क्लिक करें तो उसका भी यूज हम कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका कलर हमारा अलग से रहा। तो इस प्रकार से हम हेडिंग का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो सभी ऑप्शन हैं जो हमें बाय डिफॉल्ट इसी प्रकार से दिखाई देते हैं, अगर हम इन्हें ओपन करना चाहें तो सिंपली यहाँ से हम इस प्रकार से इसे स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। जो हमारे इतने सभी यहाँ पर दिख रहे हैं, ऊपर वाले आइकन से करेंगे तो हमारे नीचे की तरफ स्क्रॉल हो जाएंगे, और इस पर बीच वाले पर करेंगे तो ये हमारे नीचे की तरफ हो जाएंगे, ठीक है। और सिंपली अगर यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे बिल्कुल डाउन वाले पे, तो हमारे जितने भी ऑप्शन सभी एक बार में ही हमें शो हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल, नो स्पेसिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 इस प्रकार से हमारे हैं, ठीक है। हेडिंग 6, ए बी इस प्रकार से। आप इसका प्रीव्यू भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, साथ ही साथ में जो हमारा प्रीव्यू यहाँ पर लिखे, जो इसका नाम है, नाम के साथ में इसका प्रीव्यू भी हमें दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद सिंपली मान लीजिए यहाँ पर डाटा को सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद सिंपली यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं तो आप देखें जो हमारा इजीली से अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए जो अप्लाई हमने किया, अगर हम इसे हटाना चाहें तो हटाएंगे कैसे, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा क्लियर फॉर्मेटिंग का, ठीक है। तो अगर हम क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक भी करेंगे तो केवल हमारी फॉर्मेटिंग ही इससे हटेगी, ठीक है। यानी कि इसका कलर वगैरह ही चेंज होगा, और जो इसका साइज वगैरह वो यहाँ से चेंज नहीं होगा। हमने इसे सिलेक्ट भी कर लिया, अब यहाँ से हम देखते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग करके, ठीक है। क्लियर फॉर्मेटिंग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो इसका साइज है वो बोल्ड ही रहा हमारा, इसमें टोटल फॉर्मेटिंग नहीं हो पाई, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद इसे हम दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं। और दोबारा सेलेक्ट करने के बाद अगर हम इसे अपने सेम पहले वाले नॉर्मल मोड में लाना चाहें तो हम सिंपली क्या करेंगे, अपने डाटा को अंडो कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो हमारा वो वैसे भी हमारा उसी स्टाइल में आ जाएगा, हमें फॉर्मेटिंग हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर अब बात कही जाए कि इसमें से हम कोई अपनी तरफ से कोई फॉर्मेटिंग क्रिएट करें तो कैसे करेंगे, ठीक है, उसे कैसे इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। स्टाइल क्रिएट करने के लिए सिंपली हम इकॉन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे अप्लाई स्टाइल पर, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करें तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा, तो इसमें हमें मॉडिफाई पर क्लिक कर देना रहेगा, ठीक है। मॉडिफाई पर हम क्लिक करेंगे तो हम इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है नेम, ठीक है, तो यहाँ पर हम नेम में कुछ भी डाल दें, जो भी हमें नाम चाहिए। तो यहाँ पर हम 1, 2, 3 जो हमने पहले से ही डिफाइन करके रखा उसी को हमने सेलेक्ट कर लिया। आप अपनी इच्छा से डाल सकते हैं, ठीक है। इसके मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। अब नेम में तो हमारा 1, 2, 3 हो गया, आप यहाँ से भी डिफाइन कर सकते थे। इसके बाद स्टाइल टाइप में, स्टाइल टाइप में हमारा पैराग्राफ रहेगा, ठीक है। स्टाइल बेस्ड ऑन, तो हमारा पैराग्राफ का जो सिंबल है वो हमारे यहाँ पर अटैच हो चुका है, ठीक है। इसी प्रकार स्टाइल फॉर फॉलोइंग पैराग्राफ, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे फॉर्मेटिंग, तो फॉर्मेटिंग में आप किस प्रकार के टेक्स्ट को लेना चाहते हैं, ठीक है, वो आप डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इसे यहाँ पर ले लिया। अब इसके बाद साइज को आप यहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार इसमें साइज डिफाइन कर सकते हैं। इटैलिक यानी कि हम इटैलिक करना चाहते हैं। कलर आप डिफाइन कर सकते हैं, हम यहाँ पर रेड कलर को चूज कर लेते हैं, यहाँ से कलर होगा हमारा, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे इसमें जो और ऑप्शन हैं जो कि हमारे अलाइनमेंट के हैं, तो उसे आप सेट कर सकते हैं। तो हम तो यहाँ पर अलाइनमेंट सेंटर को यानी कि जस्टिफाई को चूज कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेंगे एड टू चेक स्टाइल, तो हमें यहाँ पर इस पर एड कर, हमें चाहते हैं कि हमारा स्टाइल में भी जे भी बना रहे, ठीक है, यानी कि स्टाइल जो फंक्शन उसमें हमारा जो हम बना रहे हैं स्टाइल जो हमारा उसमें सेव हो जाए, ठीक है। इसलिए हमें इस पर टेक लगा के रखना है। अगर हम केवल इसी टाइम पे एक ही बार में यूज करना चाहते हैं इसके बाद नहीं, तो हम यहाँ से टिक को हटा देंगे नीचे वाले ऑप्शन में से, ठीक है। इसके बाद सिंपली ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर भी तो हमारी फॉर्मेटिंग हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम इसे क्लोज कर देंगे और हम यहाँ पर देखें कि हमारा 1, 2, 3 फॉर्मेटिंग आई या नहीं। तो आप देखेंगे 1, 2, 3 हमारी फॉर्मेटिंग आ चुकी है, ठीक है। अब कभी भी किसी भी टाइम हम इसका यूज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अपने डाटा को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर अपने क्लिक कर देंगे, जो हमने अभी अपने आप खुद से डिफाइन किया हुआ है उसे हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।